आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटी स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ तवा पुलाव की रेसिपी। वैसे तो इसे तवे पे बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके घर पे बड़ा तवा नहीं है तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आज मैंने इसे पैन में बनाना सिखाया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं तवा पुलाव बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पे रख दिया है पैन और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर और अब बटर के मेल्ट होने का वेट करेंगे। और जैसे ही हमारा बटर यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, हम यहाँ इसमें डालेंगे सब्जियाँ। तो सब्जियों में हमने यहाँ पे ले लिया 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 उबला हुआ आलू, आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज। इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। इसे अच्छे से सॉटे करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाए, हम इसमें डाल देंगे आधी कटी हुई शिमला मिर्च। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसी के साथ में हमें इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मिक्स करने के बाद हमें इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इन मसालों को हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून पानी। तो वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से पकाने के लिए हमें यहाँ पानी डालना बहुत जरूरी है। तो 2 टेबल स्पून पानी डाल के हमें इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए ताकि हमारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। तो चलिए, हमारी सब्जियां तो अच्छी तरह से गल चुकी है तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 खड़ी लाल मिर्च यानी कि सूखी लाल मिर्च और इसके साथ में 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और इसके साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 कप बॉयल किए हुए चावल। तो हमने इसे पूरी तरह से बॉयल नहीं किया था, ये सिर्फ 80% बॉयल चावल है। और चावलों के साथ हमें इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन मटर। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर यूज किए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, ये बॉयल्ड मटर है। इसी के साथ में यहाँ पे डाल दिया हमने 1 आलू जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड था। और मसालों में हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, 1 टेबल स्पून शाही बिरयानी मसाला। शाही बिरयानी मसाला यहाँ पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ में डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से हमारे चावलों में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा चावल का जो कच्चापन है वो यहाँ पे निकल जाए। तो चलिए, यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल बनके एकदम तैयार है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती की मदद से और अब इसे सर्व कर देंगे एक प्लेट में। और ये लीजिए, हमारे तवा पुलाव बनके एकदम तैयार है। तो अगर आपको ये तवा पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।